पंखे की स्पीड कम कर, झगड़ो उस कुत्ते के साथ में, आग लगाओ उसके अंदर से। हाँ लाओ ऊपर से लगाओ ना, शर्ट पे से अंदर कहीं को हाथा डाल रहे, पीठ पे लगाओ, झगड़ो उसके अंदर से, आग लगाओ तेज के साथ में। चलाओ तेज से, आग लगाओ उसके अंदर तेज से, उसके दोनों हाथ अभी काट के ले लो उसके। शमशान से, कब्रस्तान से कोणी आणले होते ते, माणूस होता बायको होती काय, नाव नका सांग त्याच्या, कोण लोक आणले ते तर खाली, ते कोण आणले ते सांग, आता नाम नाही विचारले मी त्यांच्या, ते कोण आहे तर सांग लवकर, खाली त्याची शनाकत सांग, ते माणूस आहेत का बायको आहेत, कोणी आणून नेते अंगामध्ये सोडले तुरा, कोण होता ते माणूस बायको कोण होता, माणूस होता, जोर से जोर से बोल कौन होता, माणूस होता, कुठून आणले शमशान से, कब्रस्तान से, शमशान से क्रिया करे, कब्रस्तान से करे थे, कहां से काटूं, दोनों हाथ जला के राख करूं, जल दे, कहां से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, कुठून आणले होते थे, शमशानातून, कब्रस्तान, कब्रस्तान, हाँ कहां से, कब्रिस्तान, जोर से, कब्रिस्तान, इसका क्या नाम है छोकरे का, प्रथमेश, हाँ प्रथमेश, का है प्रथमेश, प्रथमेश पे किसने जादू करा, मानुस आए थे बाइको आए, नाव ना का संगते जा, कौन आए मानुस का बाइको, हाँ मानुस, हिंदू हाँ। का है मुसलमान का है, हाँ मुस्लिम है, हाँ। चलो इसको जकड़ के रखो, इसको तेज के साथ में, क्या नाम इसका, प्रथमेश, प्रथमेश को क्या परेशानी दे रहा था तू, क्या परेशान कर रहा था उसको अंदर, क्या तकलीफ दे रहा था उसको, काय तकलीफ दे रहा था, क्या दे रहा था, पैरा दुखा रहा था, हाँ। और क्या तकलीफ दे रहा था उसको, दुख रहा था, टेंशन दे रहा था, हाँ क्या टेंशन दे रहा था, हाँ बोल, ऐसा टेंशन दे रहा था, मार देने का था इसको, टेंशन देते के, इसको सुसाइड कराने वाला था क्या, कैसा कराने वाला था, क्या कराने वाला था, हाँ बता जल्दी, मैं काट दूंगा पूरा, टेंशन दे रहा था, हाँ क्या बोल के टेंशन दे रहा था, क्या सोच करके टेंशन दे रहा था, ऐसा टेंशन दे रहा था, तो क्यों दे रहा था वैसा टेंशन, मारने का था इसको, कैसा मारने का था, टेंशन दे के, बीमारी करा के, एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, कैसा मारने वाला था, एक्सीडेंट करके मारने का था, इसके घर में से और कितने जनों को मारने का था, इसको मारने का था, अब वो मुसलमान की क्या दुश्मनी थी, कभी दुश्मनी थी, अभी नाम मत बोल, अभी नाम नहीं पूछा मैं, जब नाम पूछूंगा उसका नाम बताना, अभी खाली जितना पूछा उतना बोल, क्या दुश्मनी थी, क्यों करा उन्हें इस पे जादू, इसके माँ पे, बहनों पे, भाइयों पे, और किस पे करे, क्या बाप पे वो जादू, जमीन जायदाद का झगड़ा था, खेती बाड़ी का था, दौलत का था, इसकी शादी हुई क्या, कब मारने वाला था इसको फाइनल, मासली पूनम में मार देने वाला था, कितना टाइम बचा था मारने को, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, कितना, जला दूंगा पूरा, जल्दी बोल, कितना टाइम बचा था, 4 महीने, इससे पहले कितने लोगों को मारा, और मारा क्या लोगों को, नहीं। कौन से कब्रिस्तान से पकड़ के लाए थे, कहा के, शेंद्रा का कब्रिस्तान, शेंद्रा कुटा है थे, अरे तुम कहाँ के रहने वाले, अच्छा क्या करना, तुझे मार के खत्म कर दूँ,
हाँ, और क्या तकलीफ दे रहा था इसके अंदर बैठ के? आ, जला दूंगा पूरा। और क्या तकलीफ दे रहा था? हाँ, और इस घर में क्या तकलीफ दे रहा था? खिड़कियां लगाया था, खैर बरकत उड़ा दिया था घर में की। हाँ, और माँ बाप के भी आंख बजा रहा था उसके मारने को। हाँ, जोर से बोल। ओ, क्या कर रहा था? माँ बाप को मार रहा था उसके। क्यों मार रहा था? वजह अच्छे नहीं दिख रहे थे उसके माँ बाप ते को। हाँ, और पैसे भी उड़ा दिया था उन घर में, खैर बरकत भी उड़ा दिया था। झगड़ा कर रखा उसको, ना ला के उसको काट काट के खत्म करेंगे। इससे पहले हाजिर हुआ क्या घर पे? आंग में आया क्या कभी? सवाल जवाब हुए क्या पहले? कभी हाजिर हुआ क्या? तुम लोग क्या समझ रहे थे? क्या मरा उनकी तरफ मारना सीधा? तुम क्या समझ रहे थे पहले? ये इन्हें घर में दिल से शरारत कर रहा है ऐसा समझ रहे थे? जोर से बोलो। हाँ, सांगितलं मित्राने म्हणजे बाबा जवळ जा म्हणजे आणि कधी ते रोग जसे आले तसे तू ये म्हणजे तिथं सगळंच होते म्हणजे। कैमरे वाले खड़े रहे उधर से। उसके अब्बा का ऐसा कहना है वो घर के अंदर उसके आंखे कभी हाजिर में और ना लाते पकड़ लिए उसको अंदर, उन्हें उसके अंदर बैठ के शरीर में क्या कर रहा था? घर में खिड़की रहा, झगड़े लगा रहा था, माँ को मार रहा था, बाप को मार रहा था, सिर पे मारा बाप के। और उसको क्या करने वाला था? उन्हें अभी 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद में कोई पुन्ना मानी थी उसमें इसकी जान ले लेने वाला था। और उसको ला के उसके आंग में उन्होंने बोला उसके अंदर रिकॉर्डिंग में, सुनो मैं मेरी जबानी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ उन्हें क्या बोला, आगे सुन भी लो। अगर तुम उन्हें समझ में आया तो मैं मेरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जोर से, क्योंकि वो दम से बोल रहे ना लोग तो सुने नहीं आता अंदर बात। और दूसरी बात, उन्होंने क्या करा कि सारे घर के अंदर किरकिरा कर रहा, टीवी फोड़ दे रहा, किरकिरा, झगड़े, फसादा, छोकरे के पैर दुख रहे, कंबर दुख रही, पीठ दुख रहा, पेट दुख रहा, क्या हो रहा नहीं समझ रहा। दवाखाने को ले गए, सरकारी दवाखाने में भी तो नहीं समझा। उसके बाद में कहीं गए तो उनको कोई तो भी शख्स ने बोले कि यहाँ जाओ। यहाँ आने के बाद में पहली बार ही चुनाव आए अल्लाह के हुक्म से, पहली बार में हाजिर कर दिए सामने, पकड़ लिए, हाजिर होगा, सवाल जवाब हो गए। अगर तुम्हारी लड़ने की नीयत नहीं रही जिसका भी नाम निकला उससे, तो यहाँ पहली बार में ही पूछा देते। यहाँ पर निजाम, पूरा निजाम अल्लाह की तरफ से चलता। और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया कि मौजजात अल्लाह के हुक्म से दिखते, अपनी मर्जी से कोई नहीं दिखा सकता। जो अपनी मर्जी से दिखाने जा रहा मौजजात तो समझ जाना जादूगर है फिर। और दूसरी बात कि यहाँ पर उसके अंदर से जो भी निकली शय, जो बयान हो रहा था, जो दास्तान है, कब्रिस्तान से लाके दाले पकड़ के वो एक सवाल डेढ़ सौ मारने की सारे बातें तो आगे सामने। ये दर ऐसा दर है कि यहाँ ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सब एक समान, क्योंकि ये अल्लाह वालों का दर है। अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन जो लोग रहते हैं, अल्लाह वाले जो रहते हैं, ये सूफीज्म जो है, तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनमें किसी में भेदभाव नहीं करते, सब एक समान रहते हैं यहाँ पे। तुम लोग लड़ते आपस में कि हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, हिंदू को मतान दो मुसलमान, ये हमारे पास ऐसा नहीं चलता। ये अल्लाह वालों का दर है और बुजुर्गान दीन और अल्लाह वालों के पास में कोई जात और धर्म नहीं देखा जाता। अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन जो रहते इनके पास में सबसे बड़ी इंसानियत देखी जाती कि इंसानियत पे कैसा जुल्म हो रहा, किस पर भी कैसा जुल्म हो रहा, मजलूम मुंह देखा जाता और जालिम पर आजाबी ला इलाके जालिम को हलाक किया जाता। ऐसा नहीं कि इसको मताने दो उसको मताने दो, ये अल्लाह वालों का दर है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान देखते, एक समान राइड करते, क्योंकि अल्लाह का कलाम सबके लिए उतरे आला है। मुसलमानों के लिए नहीं उतरे आला, हिंदुओं के लिए नहीं उतरे आला, सब एक समान इंसानियत के लिए उतरे आला। रहमतुल्लाह अलमीन बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए भेजा आला है। वो लोग खराब रहते जो आपस में लड़ते और लड़ाते। इसलिए ये बातें जरा जहन नशीन करके रखना, क्योंकि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, इंसानियत बड़ी रहती है। और इस्लाम ये सिखा रहा है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, इंसानियत का साथ दो। और देखो अब वो बच्चा मर रहा, कैसा बचाया मैंने उसको अल्लाह के हुक्म से? अगर मैं नहीं बचूंगा, मैं अगर इलाज नहीं करूंगा तो फिर उन्हें सुसाइड करके मर जाता था, मर जाती थी वो, भला उसको मार देती थी तो क्या होता? मगर ऐसा नहीं सोचते ना। क्यों नहीं सोचते? कैसा मरने देंगे? बचाने का काम हमको दिया ला, और जालिमों को सजा देने का काम हमको दिया ला। जालिमों को बरोबर सजा देंगे और मजलूमों को बरोबर बचेंगे अल्लाह के हुकुम से। इसलिए देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने का सोचो, आपस में टुकड़े करने का मत सोचो। टुकड़े कराने वालों तुम्हारे जवानों के टुकड़े हो जाएंगे कम वक्तों। देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखो,
समझो जरा, अक्कल से पैदल चाले मत करो, जब मार पड़ेगी और आजाब गिर गएंगे तो बच के भागने को मौके नहीं मिलेंगे। और ऐसे जादू आटो ने एक दूसरे पे करने वालों, तुम भी समझो जरा, ये गलत बात है किसी पे जादू टोना करके किसी की जिंदगी खराब कर देना, क्योंकि जादू टोने की खास बात रहती है वो पकड़ में नहीं आता, और जब पता चलता जादू टोना है जब तक इंसान पूरा बर्बाद हो जाता, एक दो जाना भी चले जाते घर के, क्योंकि हर जगह अल्लाह ने टीपू सुल्तान में भी डाला जो आके तुम्हारी जान बचा देगा फटक से। इस वास्ते अपनी जबानों में तासीर पैदा करो, जिक्र अस्कार और इबादत करके तुम्हारे जबानों में तासीर पैदा रहेगा और तुम अल्लाह वाले बनेंगे, और अल्लाह की रस्सी को मजबूत स्थान करेंगे तो कोई बलाएं तुम्हें परेशान नहीं कर सकेंगी। और दूसरी सबसे अहम बात कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मुसलमान ही दुआ पढ़ेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके वास्ते दुआ है, सब याद कर सकते, सब पढ़ सकते, सब फैज ले सकते, उससे पढ़ के पढ़ो तो सही, देखो तो सही, तो तुम महफूज रहे। और जो हिंदू लोगों पर जादू टोना होने वाला है जो भी सुन रहे होंगे, तो उन्होंने तस्बीह लेना और तस्बीह लेकर क्या पढ़ना, या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम पढ़ते रहो, दिन भर में से 100 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, तुम्हारे ऊपर का सब कट जाएगा और तुम पे रहम, अल्लाह तुम पे रहम करेगा और तुम्हारे ऊपर का सारा जादू टोना भी कट जाएगा और तुम महफूज रहेंगे। इस वजह से जिक्र अस्कार करो तो तुम महफूज रहेंगे, नहीं तो तुम बेमौत फिर मारे जाएंगे। देखो ना, मैं मेरे जबानी तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ, सामने प्रैक्टिकल में पकड़ के बताया ना, इसलिए अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे? यूनिवर्सिटी में कहा जकड़ के रखो इसको, नालायक को इसको मार मार के इसके अंदर की सारी तंत्र मंत्र क्रिया को भस्म कराओ, और इसके अंदर जो दवा अटके आई हो दवा को उतारे के अंदर, सारी दवा को जकड़ जकड़ के नष्ट करा के बाहर निकाल के फेंको, उतारे के अंदर सारी दवा बाहर निकालो उल्टी या जुलाब लगा के, क्या करता है काम वो काम मित्र है ना, मतलब मसला घेऊन दिला होता मित्र किला सोर आले त्यानंतर मग ये दूध निधन काय ना मसुडाला कुराडी नाहून लागलो, अरे कुराडी नाहून लागला के जैसा क्या बोलते थे उसके हवाले करे भैंसा चलाने को, की बाद में क्या होगा भैंसा एक ही गिलास दूध दे रहे करते, एक ही गिलास 15 लीटर दूध देने वाली भैंस, अब उतने परेशान हो गए इसके 20,000 कुछ बिके थे, अरे 20,000 फिर उन्हें कुराड़ी लेके भैंसों को मार रहा कर रहा करते, फिर बाद में 20,000 में वो भैंसा बेच दिए, इतने लाखों रुपए की एक भैंस। तो जादू टोने में इसी बात रहती कि तंत्र मंत्र हर चीज पे चलता, कैसा उनके भैंस का दूध अड़ा के खरीदता सच कर दिए। तो ये सब चीजों से बचने के लिए तुम आपको अगर नहीं पता है तरीके तो आओ और आके मेरे को पूछ के जाओ, भाई हम इलाज नहीं करते, हमको तरीके तो बताओ, तो तुम्हारे तरीके पता चलेंगे, तुमको हटाने के भी तरीके, इलाज करने के भी तरीके, हर मामले में पूछो मेरे से, इल्म है मेरे पास, तजुर्बा है तो मैं तुमको बताऊंगा। बेतजुर्बे वाले इंसान के पास जाएंगे तुम तो कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, कुछ भी तुमको नहीं होगा, वो तुम्हारा उड़वा देंगे, गर्क कर देंगे, हलाक कर देंगे, कुछ भी कुछ उल्टे चीजें सिखा देंगे। इसलिए अल्लाह वालों के पास जाओ, उनके सोहबत में बैठो, एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना, एक लम्हा खाली एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत का सवाब है, और जादूगर के पास जाके एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत रद्द कर देता। देखो जादू किस चीज पे नहीं चलता, 15 लीटर की भैंस का दूध अड़ा के एक गिलास कर दिया, बोल रहे ना मराठी में, तो ऐसी बात रहती है। इसलिए बेहतर है जिक्र अस्कार इबादत करो, सब राइट होगा। आगे पूछूंगा क्यों डाला, कौन डाला, काय दुश्मनी है, काय भंडना डाले होते, काय ते समझी दास्ता, क्योंकि अभी बोलने तो क्या होते लड़ाई होते भी मैंने पूछा, इंशाल्लाह आगे पूछूंगा और क्या दास्तान में सब तफसील में आगे पूछूंगा। अभी पूछा सकता था मैं, मगर इसलिए नहीं पूछा रहा के अपने को इलाज करने का शर नहीं फैलाने का अपने, इसलिए आगे पूछूंगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात क्या बोलते, तो कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। हाँ चलो।